हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आई होप सब अच्छे होंगे। आज के सेशन में अपन बात करने वाले हैं जो पशु परिचर की अपनी जो भर्ती आ रखी है उसको लेकर, उसके सिलेबस को लेकर कुछ अपन बात करने जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी अपडेट है और ये भी है कि काफी जो बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि जो पशु परिचर में क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा। तो काफी बच्चे इस चीज को लेकर परेशान है, ठीक है। तो अपन इस पशु परिचर के भर्ती के बारे में संपूर्ण चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर, तो आप लास्ट तक बने रहना, इस वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। मैं आपका अपना वीसी सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट में आपका एक बार पुनः स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि बच्चों अपन बात करेंगे, इसके अंदर पशु परिचर भर्ती विस्तृत सिलेबस जारी नहीं है। मतलब अभी मैं आपको बताया था कि काफी स्टूडेंट इस चीज को लेकर परेशान है कि हमारी नवंबर सितंबर में एग्जाम डेट दे रखी है और हमारे को अभी तक ये नहीं पता कि हमारे को कितना पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है। ये तो एक जाहिर सी बात है कि जब एग्जाम डेट दे रखी होगी और हमारे को ये नहीं तक पता कि हमारे को पढ़ना क्या है, पढ़ना क्या नहीं है, तो कैसे अपन किस प्रकार से उसको सिलेबस को कवर कर पाएंगे कि हमारे को कहाँ से पुटअप होंगे, क्वेश्चन कहाँ से नहीं होंगे। तो इस चीज को लेकर काफी परेशान है। तो कल की जो कटिंग में दैनिक भास्कर भास्कर में दिया गया था, अपने आलोक राज अध्यक्ष राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक कटिंग है, वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। क्या है? पशु परिचर भर्ती विस्तृत सिलेबस जारी नहीं, 17 लाख अभ्यर्थी असमंजस में, क्या पढ़े क्या छोड़े। मतलब बात ये हो रही है कि इससे जो वैकेंसी है पशु परिचर की, ठीक है, इसके अंदर 17 लाख अभ्यर्थी भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले हैं, वो असमंजस है इस चीज को लेकर कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कौन सा तो टॉपिक छोड़े और कौन से टॉपिक को पढ़े, क्योंकि काफी लेंथी सिलेबस दे रखा है। हमारे को सरकार को या फिर सरकार के द्वारा ऐसा कुछ नियम बनाना चाहिए था कि आपको ये बुक पढ़नी है या फिर आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं। सिलेबस के में तो अपने को देना चाहिए था ना कि इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, ये पैटर्न है, ठीक है। बट आपको पैटर्न इतना दिया गया है कि आपको 3 पार्ट आएंगे आपके, उनमें से जीके हिंदी वगैरह 1:45 का आएगा, 105 का आएगा। मतलब 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में डिवाइड किया था उन्होंने। एक में तो दे रखा है 105 और एक में दे रखा है 45 सवाल। मतलब आपके टोटल मिला के 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे दे रखा है 5,934 पद और 17.64 लाख आवेदन, 1 से 4 दिसंबर है परीक्षा की प्रस्तावित तिथि। अभी जैसे मैंने बताया था कि आपकी दिसंबर के अंदर एग्जाम लगेगी, वो भी 1 से लेकर 4 तक लगेगी, और उनमें से 5,934 पद की भर्ती है ये, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, विनोद मित्तल ने बताया कि जयपुर से राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड की पशु परिचर भर्ती में सिलेबस को लेकर अभ्यर्थी परेशान है। बोर्ड ने विज्ञप्ति में सिलेबस में केवल विषय का जिक्र किया है। मैंने अभी बताया था कि आपको 2 पार्टों के अंदर बताया गया कि आपके 2 पार्ट है, 105 का, 1:45 का। उन 2 पार्टों के बारे में जिक्र किया है, बोले तो 2 सब्जेक्टों के बारे में आपको जिक्र किया है, ठीक है। विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया, मतलब उनके अंदर विस्तृत सिलेबस जारी नहीं किया गया कि इस बुक से आपको इतने टॉपिक पूछेंगे, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आएगा, इसमें से नहीं आएगा। अन्य भर्तियों के विषय में साथ कौन कौन से टॉपिक शामिल होते हैं इसका भी जिक्र होता है। ऐसे में 17.64 लाख अभ्यर्थी परेशान है, वे असमंजस में है कि इस किस तरह तैयारी करें। अभ्यर्थियों का कहना है कि इस भर्ती के पेपर के पहले पार्ट में गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन जैसे विषय अंकित है, लेकिन किस विषय को कितना पढ़े, उसमें से कितने नंबर के सवाल होंगे, ये जानकारी नहीं है। अब जैसे बात करें अपन, सवाल किससे जुड़े होंगे, कैसे होंगे, बताया ही नहीं। मतलब हमारे को या फिर स्टूडेंटों को ये तक पता नहीं कि बच्चों को पूछेंगे क्या, किस चीज से रिलेटेड अपने को किस मुद्दे से जुड़े होंगे वो क्वेश्चन, कैसे होंगे वो क्वेश्चन, अभी तक ये भी नहीं बताया। पेपर के भाग ए में 105% होंगे जिनका पूर्णांक 105 है। बोर्ड ने इस भाग के लिए जो सिलेबस जारी किया है उसमें लिखा है कि राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में, संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और समसामयिक विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे। ये नहीं बताया कि दैनिक विज्ञान में क्या होंगे, गणित में कैसे सवाल पूछे जाएंगे, संस्कृति, कला, इतिहास में कैसे सवाल जुड़े होंगे। अब जैसे पैटर्न का, आपको पेपर का पैटर्न इतना सा बताया गया कि 105 सवाल हो
होंगे और 3 घंटे की अवधि होगी। भाग ए में 105 और बी में आपके 45 क्वेश्चन, जिसमें आपके एनिमल हस्बेंड्री आएगी। कुल अंक 105 है। सही उत्तर पर 1 अंक मिलेगा और गलत पर 25 अंक कटेगा। न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। परीक्षा का स्तर सेकेंडरी होगा। सिलेबस तय करना विभाग का काम है। हम विभाग से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती परीक्षा प्रक्रिया अपनाते हैं। विभाग को इससे अवगत करा चुके हैं कि विस्तृत सिलेबस भेजा जाए और बोर्ड सिलेबस को लेकर अपने स्तर पर निर्णय ले सकता है। ठीक है, अब जैसे बच्चों अपन बात करें, मैं भी यूं कहना चाहता हूँ, राजस्थान जो विभाग है या जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो विभाग है, उनको मैं ये अवगत करवाना चाहता हूँ कि जो एनिमल, जो बात करें अपन पशु परिचर भर्ती की या जो वैकेंसी की, इसके अंदर जो सिलेबस है उसका जिक्र किया जाए। 2 सब्जेक्टों का जिक्र नहीं किया जाए, उन 2 सब्जेक्टों में आने वाले टॉपिक का, उनमें आने वाले किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके बारे में बच्चों को अवगत कराएं और उनको एक सही गाइडलाइन दें कि ताकि वह एक जो एग्जाम है उसके पैटर्न के आधारित पर पढ़ पढ़ सके। क्योंकि बच्चे इस चीज को लेकर काफी परेशान हैं कि सर हमारे को अभी तक कुछ पता नहीं है, हमारे को कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना। इसलिए एक बार सरकार से गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि बच्चों को ऐसा गाइड करें कि बच्चे पढ़ सके, कि हमारे को यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे तो आने वाले 1 और 1 से लेकर 4 तक में आसानी से पेपर को कर सके और एक उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को, हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि हर स्टूडेंट को पता चल सके कि पशु परिचर भर्ती के अंदर क्या एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है, क्या हमारे साथ ऐसा गलत करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं फिर से आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आपको पशु परिचर बने और एक अच्छी कामयाबी चुने, आप अच्छी कामयाबी चूमे। ठीक है, थैंक यू।